नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने का हमारे पास समय नहीं है। हम अपने कामों में, अपनी दिनचर्या में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण हम अपने स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना हमें देना चाहिए, जिसके कारण हमें तरह तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज कमजोरी एक काफ़ी आम समस्या हो गई है दोस्तों। जी हाँ, खान पान में गड़बड़ी के कारण और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के कारण आज के लोग इस समस्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तों, थोड़ा सा काम करने के बाद अगर आपको थकावट महसूस होती है, आपको काम करने का मन नहीं करता, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताए हैं जो हमारे दादा परदादा इस्तेमाल करते थे। आज इनका प्रयोग कम हो गया है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से उतने ही इफेक्टिव हैं जितने ये पहले होते थे। तो आइए देखते हैं कमजोरी को दूर करने के कुछ दमदार घरेलू नुस्खे। आंवला। आंवला एक ऐसा फल है जिसमें काफी सारे गुण मौजूद है। ये बालों के लिए तो काफी अच्छा है ही, इसके अलावा कमजोरी के लिए भी ये काफी अच्छी एक औषधि का काम करता है। आंवले के पाउडर में मिश्री पीसकर मिला के रोज रात को सोने से पहले एक चम्मच पाउडर खाएं। इससे जो है आपकी कमजोरी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। इसके अलावा चने की दाल, रात में 7-8 चने की दाल को एक गिलास कच्चे दूध में भिगो कर रख दें। सुबह इसमें 5-6 किशमिश मिलाकर खाएं। मुनक्का। 12-15 मुनक्कों को गर्म पानी से धोकर रात को भिगो दें। सुबह इसके पानी को पी जाएं और मुनक्कों को खा जाएं। पालक का जूस। रोज एक गिलास पालक का जूस पिए, इससे शरीर को काफी एनर्जी मिलती है। दूध और केला। रोज सुबह शाम 2 या 3 केले के साथ एक गिलास दूध पिए, ये काफी अच्छी औषधि है कमजोरी दूर करने के लिए। चुहारे, काजू, बादाम इत्यादि सूखे फल। 3-4 चुहारे, 2-3 काजू और 2 बादाम को एक गिलास दूध में मिलाकर उबालें। इसमें 2 चम्मच मिश्री मिलाकर रोज रात को सोने से पहले पिए, फिर देखिए कैसे आपकी कमजोरी छूमंतर हो जाती है। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।